करियर, रिलेशनशिप्स और पर्सनल फाइनेंस, इन तीन सेक्शंस में 10-10 ऐसी टिप्स जो मैं अपने 20 साल के अंकुर को बताना चाहूंगा, ताकि उसे जिंदगी कैसे जीनी है और उनके साथ जिंदगी में क्या होने वाला है पता हो। करियर नंबर एक, डोंट सेटल। हर एक इंसान तुम्हें अंकुर ये बोलेगा कि अपने 20s में ना सेटल हो जाओ, जल्दी से पढ़ाई करो सेटल हो जाओ, जल्दी से शादी करो सेटल हो जाओ, जल्दी से नौकरी ले लो सेटल हो जाओ, जल्दी से घर खरीद लो सेटल हो जाओ। लेकिन दुनिया बदल चुकी है एंड मेरा ये अरमान है अंकुर कि तुम 20 साल में ये जान पाओ कि दुनिया अभी शुरू ही हो रही है और अगले 10 साल तुम्हारे सबसे खूबसूरत साल होने वाले हैं अगर तुम एक्सप्लोर करोगे, अगर तुम नई नई दिशाओं में जाके नए नए अनुभव एक्सपीरियंस करोगे, नए दोस्त बनाओगे, नए देशों में काम करोगे, शहरों में काम करोगे, नौकरियों में रहोगे, बहुत सारी इंटर्नशिप्स करोगे, बहुत सारे फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज करोगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करोगे, बहुत सारे कोर्सेस करोगे, ताकि तुम ये जान पाओ कि तुम किस चीज में अच्छे हो, किस चीज में तुम्हें वाकई में खुशी महसूस हो। करियर नंबर दो, कभी भी अंकुर सीखना मत बंद करना। दुनिया ये बोलेगी कि जब पढ़ाई हो जाती है ना, जब कॉलेज खत्म हो जाता है तो सीखना बंद, अब कमाने का टाइम आ चुका है। सीखेगा कौन ना, सिर्फ डॉक्टर और लॉयर ही जिंदगी भर नहीं सीखते, हर एक शख्स को जिंदगी भर सीखना होगा दोस्त। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि एक सिर्फ एक स्किल तुम्हें आगे ले जाएगा अंकुर, और वो है कि तुम कभी भी किसी भी पॉइंट पे एक स्टूडेंट फिर से बन सकते हो। करियर नंबर तीन, अपने नेटवर्क को ना कभी भी नजरअंदाज मत करना। ऐसा लगेगा ये जो लोग है ना, ये किसी काम के नहीं है, इनसे कभी कुछ हो नहीं पाएगा, इनसे क्या दोस्ती रखनी है, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन आगे जाके क्या बनने वाला है। तुम्हारा नेटवर्क जो है वो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी क्रिएटर है। तुम्हारे दोस्त आगे जाके क्या करेंगे उससे तय होगा कि तुम्हें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, क्योंकि वो स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, तुम्हारे ऑफिस के दोस्त तुम्हारे अपॉर्चुनिटीज आगे जाके बनाएंगे। अगर एक फोन से ही वो वापस एक अंकुर से कनेक्ट करके उनको एक नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकते हैं, तो तुमने अपने नेटवर्क का सही इस्तेमाल किया है। लेकिन इस नेटवर्क को अपने सेल्फिश रीजन के लिए मत बनाना, लोगों को वाकई में जानने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, उनसे ये पूछना कि वो कहां से आए, किस परिस्थितियों में पले बढ़े, कौन उनके घर पे है, क्या उनका जिंदगी की तरफ नजरिया है। जितने तुम लोगों में जिज्ञासा दिखाओगे उतना ही लोग तुम्हें प्यार करेंगे और उन्हें लगेगा कि तुम वाकई में उन्हें जानना चाहते हो, उनसे कुछ मांगना नहीं चाहते। करियर नंबर चार, हारने से मत डरना दोस्त, क्योंकि हारेगा तो हर एक इंसान, तुम भी हारोगे, बहुत ठोकरे खाओगे, लेकिन अगर तुमने पहला कदम ही नहीं बढ़ाया अंकुर, ताकि तुम कभी हार ही ना पाओ, तो तुम तो वहीं रह जाओगे। हर एक इंसान आगे बढ़ जाएगा, हारने से डरना नहीं, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। वो एड जो है ना, खोखला नहीं है, वाकई में जिंदगी का एक लेसन है। जितना तुम डर से कंफर्टेबल अपने आप को बनाओगे, उतना ही तुम नए नए रिस्क ले पाओगे, उतना ही अपने आप को ये समझा पाओगे कि मैं किस चीज से डर रहा हूं, क्यों डर रहा हूं, यही इतना छोटा सा डर था। जब वो चीज खत्म हो जाएगी ना, जब तुम उस पर विजय प्राप्त कर लोगे, तुम्हें लगेगा कि वो डर कितना कितना छोटा था एंड तुम उससे कितने बड़े। करियर नंबर पांच, जो तुम्हारे दिमाग में है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब तक दुनिया को नहीं पता चलेगा उसका कोई फायदा नहीं। कम्युनिकेट करना सीखो दोस्त, बोलना सीखो, अपनी बॉडी को यूज करना सीखो, अपने चेहरे को, अपने हाथों को इस्तेमाल करना सीखो। ये जानो कि तुम्हारे अंदर जो जुबान है वो बहुत बहुत पावरफुल है, वो जिस ढंग से लोगों को बोलती है, जिस नजरिए से उन्हें ट्रीट करती है, उससे एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है एंड वो शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर बन सकता है। क्योंकि आइडिया तो हर एक इंसान के दिमाग में है, लेकिन अगर वो आइडिया तुम्हें कम्युनिकेट करना आता है अंकुर, तो तुम जीतोगे, जिंदगी में जीतोगे। करियर नंबर छह, एडेप्टेबल रहना। हर एक चीज तुम्हारे अनुसार नहीं होने वाली, ये जरूरी नहीं है कि दुनिया तुम्हारे अनुसार ही चलेगी, कि जहां तुम जा रहे हो वहां चल गए, जैसे तुम चीजें चाहते हो वैसे ही, जैसे तुम लोग के साथ काम करना चाहते हो वैसे ही मिलेंगे ना। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मकाम आएंगे जहां तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं होगी, लेकिन परीक्षा ये होगी क्या तुम तब भी डिलीवर कर सकते हो या नहीं। अपने करियर में जितना तुम अपने आप को ढाल सकोगे ना, उतना ही आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि पूरे का पूरा 20s का डेकेड इसीलिए है। याद है पहला वाला, एक्सप्लोर करना है दोस्त, सेटल नहीं होना है, कहीं रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, और वो तभी हो पाएगा जब तुम एडेप्टेबल हो, तुम मोल्डेबल हो, तुम फ्लेक्सिबल हो, तुम किसी भी दिशा में मुड़ सकते हो,
क्योंकि तुम किसी भी दिशा में जुड़े हुए नहीं हो। करियर नंबर 7, बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे तनख्वाह के पीछे भागो, पैसे के पीछे भागो, योलो, जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है, जवानी सिर्फ एक ही बार आती है। सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे। जब ये जवानी चली जाएगी तो शायद बहुत दुख होगा, तुम्हें भी होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मीनिंगफुल काम के पीछे नहीं भागना है। जिस काम में तुम्हें मजा आता है ना अंकुर, जिस काम को करने में जेन्युइनली दिन में एक सुकून मिलता है, वो काम सबसे खूबसूरत होगा। वही तुम्हें सबसे ज्यादा कुछ सिखाएगा, उसी से तुम्हारे सबसे अच्छे रिश्ते बनेंगे, एंड वो शायद थोड़े से कम पैसे में भी अगर आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। उसको नजरअंदाज मत करना। करियर नंबर 8, लोग शायद तुम्हें फीडबैक दें या ना दें, तुम्हें हमेशा तैयार रहना है फीडबैक लेने के लिए। इनफैक्ट तुम्हें फीडबैक मांगना है, क्योंकि जितना तुम डरोगे ना कि लोग क्या कहेंगे यार, कुछ गलत ना बोल दें, मुझे ठेस ना पहुंच जाए, उतना ही तुम अपने आप को कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। सोचो इसके बारे में, अगर तुम किसी से फीडबैक मांगते हो और वो वाकई में सही फीडबैक तुम्हें देता है और तुम उस पर काम कर पाते हो, तुम जीतते हो अंकुर, तुम आगे बढ़ते हो। एंड दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट फीडबैक, वो तुम्हें इंप्रूव करने के लिए बोला जा रहा है। और अगर तुम्हें उसके साथ अग्रीमेंट नहीं है, इग्नोर कर दो, लेकिन मांगना बंद मत करो। फीडबैक हमेशा मांगते रहना दोस्त। करियर नंबर 9, अपने 20s में ऐसा लगेगा कि 24 घंटे में 18, 20, 22 घंटे काम कर लेना वो हसल मोड में, उतना ही अच्छा है, क्योंकि शरीर साथ देता है, दिमाग साथ देता है, हाथ साथ देते हैं, लेकिन कभी कभी रुक जाओ। ब्रेक लेना बुरी बात नहीं है, छुट्टियों पे जाना बुरी बात नहीं है, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना बुरी बात नहीं है, अपने दोस्तों के साथ हाई ही करना बुरी बात नहीं है। अपने आप को वो इंजॉयमेंट दो जहां तुम काम कर रहे हो और अच्छे से कर रहे हो, लेकिन तुम इंजॉय भी कर रहे हो और वो भी अच्छे से कर रहे हो। एंड करियर नंबर 10, कुछ भी हो जाए दोस्त, कुछ भी हो जाए, अपनी इंटेग्रिटी, अपने मॉरल्स, अपने वैल्यूज पे कभी भी लांछन ना पाए। कोई भी तुम्हें इस बात के लिए जज ना करे कि शायद ये इंसान फितरत से सही नहीं, क्योंकि फिर तुम चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, चाहे जितने भी घंटे डाल, चाहे जितने भी अमीर बन जाओ, तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपनी नीयत को हमेशा साफ रखना, लोगों को कभी पीछे से वार मत करना, हमेशा उनको जो बोलना है उनके चेहरे पे बोलना, और हमेशा किसी भी गॉसिप में एंगेज मत करना। तुम्हें अपना दिल, अपना काम और अपनी फितर साफ रखना। रिलेशनशिप नंबर 1, जब कभी भी कोई भी रिलेशनशिप मुश्किल हो, चाहे वो प्यार का हो, माँ बाप के साथ का हो, भाई बहन के साथ का हो, दोस्तों का, कम्युनिकेशन इज द की। रिश्ते इसलिए टूटते हैं दोस्त, क्योंकि हम बात करना बंद कर देते हैं। बात कभी बंद नहीं करनी, हमेशा अपने ईगो को अपनी कम्युनिकेशन से कम रखना है और बात करते रहे। रिलेशनशिप नंबर 2, तुम जब 20 साल के होगे ना अंकुर, तो सोशल मीडिया नहीं होगा, लेकिन 25-26 के टाइम पे सोशल मीडिया आ जाएगा और तुम्हारे 400, 500, 600 दोस्त हो जाएंगे। कभी भी क्वांटिटी को क्वालिटी के आगे मत रखना, कभी भी इस बात पे प्राउड मत महसूस करना कि तुम्हारे फेसबुक, तुम्हारे इंस्टाग्राम, तुम्हारे किसी और सोशल मीडिया पे बहुत सारे दोस्त हैं। दोस्त जो है ना वो क्वालिटी के हो, रिश्ते जो है वो क्वालिटी के होने चाहिए, तो चाहे कम हो लेकिन ऐसे हो कि वो तुम्हें समझे, तुम्हारी बात सुने और तुम्हें सच्ची एडवाइस दे। रिलेशनशिप नंबर 3, बाउंड्रीज ना अंकुर, बहुत जरूरी है। एक इंसान को ये बता पाना कि तुम्हारे लिए सही क्या है, गलत क्या है और कहां उसको रुक जाना है, बहुत जरूरी है। उस इंसान से ये पूछ पाना कि तुम्हारी बाउंड्री कहां तक है, वो भी जरूरी है। जितना तुम इन बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करोगे अंकुर, उतना ही तुम एक रिश्ते को जगा दोगे, बढ़ने की, मजबूत होने की। रिलेशनशिप नंबर 4, ऑथेंटिक रहना। कभी किसी और का रूप धारण मत करना, कोई और बनने की कोशिश मत करना। जब तक तुम हो तब तक लोग तुम्हें तुम्हारे लिए तुम्हें पसंद करेंगे। एंड यही तरीका भी है दोस्त बनाने का, कि तुम खुद जो हो वो बनो और फिर देखो कि कौन तुमसे इंप्रेस होता है, क्योंकि वही तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं, वही तुम्हारे सच्चे रिश्ते हैं। रिलेशनशिप नंबर 5, लोगों को सुनो, उनके लिए सबसे बेस्ट लिसनर बन जाओ। अगर तुम्हारे पास सुनने की क्षमता है ना अंकुर, तो लोग तुम्हें सब कुछ बताएंगे और वो तुम्हारे अंदर कन्फाइड करेंगे, तुम्हें ट्रस्ट करेंगे, तुम पे भरोसा रखेंगे,
एंड तुम बिना जजमेंट अगर उन्हें सुनोगे, इसलिए नहीं क्योंकि तुम जवाब देना चाहते हो, इसलिए क्योंकि तुम उन्हें वाकई में समझना चाहते हो, तो तुम लोगों के सबसे जिगरी दोस्त बन जाओ। रिलेशनशिप नंबर 6, लोग गलतियां करेंगे, तुम भी गलतियां करोगे, माफ करना सीखो, लोगों को माफ करना सीखो। लोग हमेशा सही नहीं हो सकते, तुम्हारे माँ बाप हमेशा सही नहीं होंगे, तुम्हारे भाई बहन हमेशा सही नहीं होंगे, तुम्हारे दोस्त हमेशा सही नहीं होंगे, तुम्हारा पार्टनर हमेशा सही नहीं होगा, तुम भी हमेशा सही नहीं होगे। जितना तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें माफ करें, उतने तुम्हें भी उन्हें माफी का वो मौका देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। रिलेशनशिप नंबर 7, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां तुम्हें लगेगा क्या ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा, मजबूत ही नहीं हो पा रहा। लेकिन एक चीज मैं तुम्हें 42 साल की उम्र में जरूर बता सकता हूं कि रिश्ते वक्त लेते हैं, रिश्ते मजबूत होने के वक्त लेते हैं, उन्हें वो वक्त दो, उन्हें वो कद्र दो जो उन्हें चाहिए टू बिकम दैट मीनिंगफुल रिलेशनशिप इन योर लाइफ। रिलेशनशिप नंबर 8, डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करो। हर एक इंसान तुम्हारे जैसे नहीं सोच सकता, हर एक इंसान तुम्हारे जैसे भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे नफरत करता है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो तुमसे अलग है या गलत है, वो सिर्फ एक दूसरे नजरिए के साथ सेम चीज को देखता है। एंड इट इज परफेक्टली फाइन, इन फैक्ट इट इज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी कि तुम एक दूसरे इंसान की एक दूसरी फितरत के साथ भी उससे एक रिश्ता बना सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि किसी का भी नजरिया सही या गलत नहीं, सिर्फ अलग होता है। रिश्ता नंबर 9, सपोर्टिव रहो। हर एक इंसान की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करती, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है लोगों की जिंदगी को फिक्स करना, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी जरूर है कि तुम उनको एक सपोर्ट दो, तुम उनके साथ रहो। जब कभी भी वो तुम्हारी मदद मांगे तुम उनकी मदद करो, लेकिन उनकी जिंदगी को फिक्स करने की कोशिश मत करो। जब तक वो ना मांगे तब तक तुम उनके खुदा, उनका सेवियर बनने की कोशिश मत करो। तुम एक रिश्ते को एक रिश्ते के जैसे रखो, उनकी जिंदगी मत बनने की कोशिश करो। रिश्ते की एडवाइस नंबर 10, शायद सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस, जो कुछ भी हो जाए दोस्त, खुद के साथ का जो रिश्ता है ना उसको मत भूलना। जितना वक्त तुम तुम्हारे खुद के साथ बिता पाओगे ना उनको, उतना ही तुम दूसरों के साथ एक अच्छा खूबसूरत मजबूत रिश्ता बना पाओगे। खुद के साथ जीना बहुत बहुत मुश्किल होता है, बहुत लोग होते हैं जो पूरे दिन में 5 मिनट भी अपने साथ अपने ख्यालों के साथ नहीं बिता सकते। तुम अगर हर रोज कुछ पल कुछ क्षण अपने साथ बिता सकते, अपनी ताकतों को, अपनी वीकनेसेस को, अपने स्ट्रेंथ्स को सब कुछ मद्देनजर रख के अपने आप को फिर भी कबूल कर सकते हो, देन यू हैव अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। खुद को मत भूल। फाइनेंस नंबर 1, सेव बचपन से शुरू कर देना। बहुत सारे लोग होंगे जो जन्मदिन पे पैसे देंगे, राखी पे पैसे मिल जाएंगे, या कहीं और किसी तरह से किसी त्योहार पे किसी मौके पे, उस सारे पैसे को थोड़ा बहुत ऑफकोर्स खर्च करो, लेकिन एक सेविंग की आदत और फिर उस पैसे को कैसे यूज करना है उसकी आदत बचपन से डाल दे। फाइनेंस नंबर 2, ये सीखना कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, अपने पैसे को खुद के लिए कैसे यूज कर सकते हैं वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी भर अगर नौकरी करके उस पैसे से बहुत अमीर बनने की कोशिश करोगे तो शायद हो पाएगा शायद नहीं, लेकिन जो पैसा कमाओगे उसको अगर काम में लगाओगे तो वो पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। फाइनेंस नंबर 3, लेकिन ये सब कुछ संभव होगा अगर तुम एक बजट बना सकते हो। एक बजट बहुत जरूरी अप्रोच होगा अंकुर जिंदगी में, क्योंकि तुम ये नहीं चाहते कि पूरा पैसा बाद की जिंदगी लिए, जब दांत भी नहीं बचे होंगे, टांगे भी नहीं चल रही होंगी, तब हम करोड़पति होंगे ना, ऐसे पैसे का फायदा है क्या। लेकिन ये भी नहीं कि सारा पैसा आज ही उड़ा दिया और बुढ़ापे के लिए कुछ रखा ही, थोड़ा जरूरतों के लिए, थोड़ा इच्छाओं के लिए और थोड़ा आगे के लिए। एक बजट बनाओगे तो जिंदगी में डिसिप्लिन मैनर अपने पैसे को देख पाओगे। फाइनेंस नंबर 4, खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसे ही नहीं कि लोगों से भीख मांगनी पड़े। हमेशा एक इमरजेंसी फंड बना के रखना। जितना भी तुम्हारे महीने का खर्चा है ना उसका कम से कम 6 गुना एंड आइडियली 12 गुना अपने बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट में हमेशा रखना, ताकि अगर कभी भी किसी भी क्षण में किसी भी जरूरत के लिए पैसे चाहिए हो तुम्हारे पास हमेशा 12 महीने या 6 महीने कम से कम का पैसा हो। फाइनेंस नंबर 5, बहुत खूबसूरत होगा और बहुत मजा आएगा ये सोच के कि तुम क्रेडिट कार्ड से जूते भी ले सकते हो, फोन भी ले सकते हो, गाड़ियां भी खरीद सकते हो लोन पे, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि लोग और बैंक तुम्हें लोन देने के लिए तैयार है। लेकिन इस कर्ज से जितना दूर भाग सकते हो
भागने की कोशिश करना। मैं बल्कि ये बोलता हूँ कि जिंदगी में अगर दो ही लोन लेने हो ना तो यही दो लोन लेना, एक घर खरीदने के लिए और दूसरा पढ़ाई के लिए। बाकी हर एक खर्चा, चाहे वो फोन हो, गाड़ी हो या कुछ भी हो, खुद के पैसे से करना, बचा के करना। और अगर नहीं होगा तो मत करना, क्योंकि जितना तुम इस स्टेटस के पीछे भागोगे ना अंकुर, उतना ही पैसा और ये कर्ज तुम्हें डुबो देगा। फाइनेंस नंबर 6, टैक्सेस है ना दोस्त, एक बहुत बड़ी रियलिटी है, इससे भाग नहीं सकते, इसको सिर्फ समझ सकते हैं। टैक्सेस को समझने की कोशिश करना। सरकार बहुत सारे स्कीम्स देती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देती है जहां आप अपने टैक्स को कम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए समझना होगा कि कहां उसको कम किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है और कैसे पूरे सरकार के लॉज नियम के दायरे में रहकर एक अच्छा सिटीजन बनके आप अपने टैक्सेस को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। ये सीखना पड़ेगा, ये सीए का काम है, तुम्हारा काम। फाइनेंस नंबर 7, अपनी रिटायरमेंट के लिए ना प्लानिंग करना दोस्त, क्योंकि एक वक्त आएगा जब तुम ये जो सैलरी कमा रहे हो ये नहीं कमा पाओगे, लेकिन जिंदगी अभी भी बची होगी, खुद की बची होगी, शायद पार्टनर की भी, शायद बच्चों की भी, एंड उस वक्त पे तुम्हारा पैसा कैसे काम आएगा, होगा भी कि नहीं, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, ये तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें इसके लिए खुद प्लान करना है। फाइनेंस नंबर 8, जो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट्स होगी ना अंकुर, उसको डिवर्सिफाई करना। ये नहीं कि एक चीज से तुम्हें प्यार हो गया या एक चीज बहुत अच्छी कर रही है तो उसी पे सारे पैसे डाल दिए, क्योंकि एक चीज अगर खुदा ना खास्ता हिल गई, डूब गई, चेंज हो गई, तो तुम्हारा पूरे का पूरा इन्वेस्टमेंट गायब। इसीलिए जितना डिवर्सिफाई कर सकते हो करो, बहुत पतला भी नहीं करना। स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा डालो, फिक्स डिपॉजिट थोड़े से रखो, पीएफ में थोड़ा सा पैसा डालो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में थोड़ा सा डालो, रियल एस्टेट में थोड़ा सा डालो, सोना थोड़ा सा खरीद लो, क्रिप्टो में अगर अंडरस्टैंडिंग है और इंटरेस्ट है तो उसमें डालो। बट मेक श्योर कि ये जो रिस्क प्रोफाइल है ये तुम अच्छे से समझते हो एंड इस पैसे को तुमने अच्छे से डिवर्सिफाई किया है, ताकि अगर एक जगह कुछ हिल जाए तो बाकी जगह अभी भी संभली हो। फाइनेंस नंबर 9, अपने पैसे को सही से खर्च करना, बेफिजूल खर्चा मत करना। खर्चा ऐसा मत करना कि लोगों को दिखा सको कि तुम कितने अमीर हो। खर्चा इसलिए भी मत करना क्योंकि तुम्हें पैसे की कोई कद्र नहीं है। खर्चा समझदारी से करना, क्योंकि ये पैसा तुमने अपनी मेहनत से कमाया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको जाया करो। एंड फाइनली फाइनेंस नंबर 10, जैसे कि करियर में भी तुम हमेशा एक स्टूडेंट बने रहे, वैसे ही पैसे को लेकर तुम हमेशा अपने आप को एजुकेट करते रहो। नई नई चीजें आएंगी, कल को क्रिप्टो आ गया, परसों कुछ और आ गया, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए नई है। 20 साल में अभी तुम्हें पता भी नहीं है कि क्रिप्टो क्या है, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें तुम्हें सीखनी होगी, समझनी होगी, एंड अगर तुम्हें समझ में आए तो उसमें पैसा इन्वेस्ट भी करना। लेकिन एक ही चीज इसको पॉसिबल कर पाएगी कि तुम सीखने के लिए तैयार हो। ये अगर 30 टिप्स अंकुर तुमने 20 साल में सीख लिए, समझ लिए, अपनी जिंदगी में लागू कर दिए, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि आगे जाके तुम एक बहुत खूबसूरत जिंदगी जियोगे। गलतियां होंगी, जरूर होंगी, लेकिन उन गलतियों से सीख पाओगे, उन गलतियों से उभर पाओगे। यही सीख मैं चाहता हूं कि तुम अपने बच्चों को भी दो, एंड अगर आगे जाके कोई भी और शख्स तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तैयार हो तो उन्हें भी मिले। अंकुर मारेको साइनिंग। मैंने दो किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, Do Epic Shit and Get Epic Shit Done. Do Epic Shit is more about life के बारे में सोचना, reflect करना, बहुत सारे failures जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ। In Get Epic Shit Done में मैं 36 ऐसे life के सवालों के जवाब देता हूँ जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 400,000 कॉपीज बेच चुकी हैं, and I would love for you to pick one of them for you or your best friends. Link pin comment or description में।